तो ये गाइस चलिए एक दुकान का रैंक पे वीडियो करता हूं। आप सब लोग मस्त होंगे और आप सभी का रैंक पुश मस्त चल रहा होगा। आप सभी की रैंक और टीयर क्या चल रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जो आईडी रैंक पुश कर रहा था उसका मैंने कॉन्कर लगा दिया है। अपने किसी भाई को कॉन्कर रैंक पुश करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं सली गेम की। तो अपने काफी सारे दोस्तों को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आप ये वाला गेम देख लेना, आपको टिप्स मिलेगी सर्वाइव करने के लिए जो आप अपने गेम में अप्लाई करके इजी प्लस निकाल सकते हो। देखते इस हेलीकॉप्टर में से बंदा नहीं गिरता, जब तक हेलीकॉप्टर हवा में ना हो तब तक इसको गोली नहीं लगती। बट यहाँ पे से ये बंदा तो निकल जाता है। इवेंट पर मेरा गेम कुछ खास तो जाता नहीं है, मेरे को दो ही किल्स मिल पाते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ एक छोटे से कंपाउंड पर लूटने के लिए। वैसे कंपाउंड में नहीं है, ये दो घर है जस्ट, मेरे को सिर्फ नॉर्मल सी लूट चाहिए। मैं हमेशा ऐसी छोटी छोटी जगह आता हूँ लूटने के लिए क्योंकि यार बड़ी जगह जाते हैं तो वहाँ पे कैंपर्स वगैरह मिल जाते हैं और वो इजी किल कर देते हैं तो माइनस लग जाता है। तो मैं ऐसी एक दो घर करके लूटता हूँ, छोटी मोटी लूट जो मिल जाती है उसी से काम चलाता हूँ एंड तक। और बाकी एंड में कोई एक बंदा भी मार दोगे थर्ड पार्टी करके या कैसे भी तो वो अंधी लूट दे ही देता है। यहाँ पर इस बंदे को इजी कार स्प्रे में निकाल देते हैं। अब आ रही थी जोन में शिफ्ट लेने की। वैसे मेरे को जाना तो कहीं और था, मैंने मार्क भी लगाया हुआ है बट उधर की साइड बंदा था तो मैंने सोचा कहीं और चलते क्योंकि अभी मेरे को एक टॉप 10 पे ध्यान देना और मेरे को प्लस भी चाहिए। तो यहाँ पर ही तो सामने वाला घर नहीं है, वैसे चेक किया, यहीं पर रोकते हैं। एक तो आपको जहां पर भी ये मैका रोबोट दिखते हैं ना भाई, अगर तुम कवर में हो तो इन्हें मारा करो। स्टार्टिंग से इन्हें डैमेज दोगे तो आपको लास्ट के जोन में दिक्कत नहीं रहेगी होगी क्योंकि यार तुम इसे स्टार्टिंग से डैमेज दोगे ना तो एंड तक आते आके ये फूट ही जाते हैं। अगर ये एंड में फुल हेल्थ पे ना तो भाई ये बहुत दिक्कत देते हैं, बंदों को उठा लेते हैं और फिर फायर, भाई बहुत दिक्कत है इनसे। ओपन का जोन है तो अगर तुम्हारे पास कवर है और ये ओपन में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही डैमेज दो और फूट दो भाई जितना जल्दी हो सके। अभी मैंने एक बंदे को दो हेड मारे थे जो कि रोबोट में था, अब पता नहीं इस वाले को मारे या फिर वो चला गया। बट इस बंदे ने मेरे को डैमेज कैसे करा मेरे को ही नहीं पता क्योंकि यार मैं घर के अंदर था और ये जस्ट मेरा ऊपर रुक चुका है। अभी यहाँ पर मेरी हेल्थ कम है तो मैंने बूस्टर्स का यूज करा। यार मैं इसे बैंडेज का साउंड दूंगा ना तो हो सकता है नीचे आके मार दे या फिर फाइट करने की कोशिश करे क्योंकि उसे पता चल जाएगा मेरी कम हेल्थ है, इसीलिए यहाँ पर मैं बूस्टर्स का यूज करता हूँ। अभी यहाँ पे सामने साइड से M4 चलती है और एक बंदा नॉक होता है तो मैं समझ चुका था जो मैका वाला बंदा है इसको नॉक पड़ चुका है और यहाँ पर मैं इसे मारने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेनेड या फिर एक मॉली भी होता तो भी इसका किल मेरे को इजी मिल जाता, बट यहाँ पर मेरे पास ग्रेनेड और मॉली कुछ भी नहीं था तो जैसे जैसे करके इसका किल तो यार लेना ही था। अब यहाँ पे जो इस मैका से बंदा फाइट कर रहा था उसका किल भी मेरे को मिल जाता है और यहाँ पर मैं मैका भी फोड़ देता हूँ। अब ये जो बंदा था जोन के बाहर फंस चुका था और जोन भी स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट चलते हैं जोन में।
यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट ही बंदा बचाता है, एक बंदा जोन से मर जाता है और एक बंदे की जब सभी फाइट हुई एक ही बंदा बचा है जो कि सामने की साइड। अब यहाँ पे 1v1 की फाइट है, देखो यहाँ पे चिकन डे निकल पाता है या फिर नहीं। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।